वेरी गुड इवनिंग एवरी वन माई नेम में शुभम सिंह हानिया एंड आई एम योर मेंटर फॉर यू जी सी नेट पेपर वन पेपर डू कॉमर्स एंड मैनेजमेंट सो काफी टाइम से हम काफी सारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स डिस्कस कर रहे थे बी एट बिजनेस मैनेजमेंट बीइट मार्केटिंग और बी इट इंटरनेशनल बिजनेस तो काफी सारी स्टूडेंट्स की मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी दैट सर प्लीज टेकअप अ सेशन ऑन सम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स एज वेल तो आज जिस सब्जेक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं दैट इज अकाउंटिंग एंड दिस पटर सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट बोथ फॉर पेपर डू कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट

एंड ये जो आज पांच क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये आपके जून 2020 एग्जाम में आए हैं तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं किस टॉपिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सो क्विकली बिगिन विद सेशन बट इफ यूर कमिंग एयर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आज आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज एक बार बेल uh, आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिकॉज हमारे लगातार सेशन होते रहते हैं सो आई डोंट वांट कि आपका कोई भी सेशन मिस हो तो बेल आइकन दबा के अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे देन यू विल बी गेटिंग कुछ सीखनेक्टिविटी रेशियो ऑफ 80%, परसेंट तो हमारे पास क्या गिवेन है क्वेश्चन में एक्टिविटी रेशियो हमारे पास गिवेन है एंड कैपेसिटी रेशियो इज वन टी परसेंट फाइंड आउट द एफिशिय रेशियो तो किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट

बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं बहुत सारे रेशियोज हैं तो कैसे याद रखें ना कई जगह क्या होता है कि आपको होते हैं एंड आप बेसिक कॉमन सेंस से से आई एम रिपीटिंग वंस अगेन बेसिक कॉमन सेंस भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं फॉर रिपीटिंगल यहां पे एक्टिविटी रेशियो हमें 80 परसेंट गिवेन है एंड कैपेसिटी रेशियो 120 ट्वेंटी है एफिशियंसी क्या होती है स्टूडेंट एफिशियंसी ये होती है कि आउट ऑफ द गिवेन टोटल टारगेट जो भी आपका टारगेट कैपेसिटी है या फिर टोटल आउटपुट है उसमें से आप कितने परसेंटेज काम कंप्लीट कर पा रहे हैं सो so, से अगर मैं कहूं कि टोटल मार्क्स आपके हंड्रेड आ सकते हैं एंड आप स्कोर कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड एट्टी परसेंट हो गई बिकॉज आपने एट्टी परसेंट एट्टी मार्क्स स्कोर किए आए हैं 80 आपके तो ये आपकी एफिशिएंसी बन जाएगी तो यहां पे हमें क्वेश्चन में बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन दी है कि जो कैपेसिटी रेशियो है एंड एक्टिविटी रेशियो क्या है 80 परसेंट मतलब 120 आपकी कैपेसिटी थी उसमें से आप जो भी टारगेट अचीव कर पाए जो भी एक्टिविटी कर पाए दैट इज ओनली 80 परसेंट तो इसके थ्रू हम डायरेक्टली एफिशिएंसी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं नॉट अ डिफिकल्ट टास्क इजीली निकल के आ जाएगा एंड आई एम श्योर कि आप सबने अभी तक कैलकुलेट कर लिया होगा इट वुड कम आउट टू बी सिक्सटी मैं उम्मीद करता हूँ कि काफी सारे लोगों ने यही जवाब दिया होगा So, अगर आपने यही जवाब दिया है तो जल्दी से मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता दीजिए वंडरफुल आई कुड सी की मेजोरिटी लोगों ने सही जवाब दिया है। दैट इज फोर्थ सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट सो वेरी इजी क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो पास्ट ईयर में क्वेश्चंस आते हैं वो तीन तरीके के आएंगे कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी मिलेंगे आपको कुछ क्वेश्चन थोड़े से मीडियम लेवल के मिलेंगे एंड सिर्फ एक या दो क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो बहुत डिफिकल्ट होंगे या फिर जिसे हम कह सकते हैं जो आपके आउट ऑफ सिलेबस से पूछा जाएगा सो so, प्लीज उन क्वेश्चन पे ध्यान मत दीजिए जो आउट ऑफ सिलेबस से पूछे जाते हैं बिकॉज वो हर अटेम्प्ट में होते हैं वैदर योर फोकस शुड बी ऑन दोज सेवन एट क्वेश्चन जो आप हर सब्जेक्ट में अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड उसके बेसिस पे ही अपना नेट जी क्लियर कर सकते हैं

कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स वेरी इजी क्वेश्चन बट मैं आपको बताऊं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको बहुत लंबी कैलकुलेशन करनी होती है एंड कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां अगर आपको शॉर्टकट पता है तो आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं तो ऑब्वियसली हमें पता है कि एक लेंदी वे है एक लेंदी मेथर्ड है जिसके बेसिस पे आप सोल्व कर सकते हैं तो पहले वो बता देता हूं मैं एंड देन साथ, -साथ में आपको शॉर्टकट भी बताता हूं कि आप कॉमन सेंस इस्तेमाल करके भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं सो लेट मी जस्ट गो थ्रू दीज ऑप्शन एक बार ऑप्शन पढ़ देता हूं मैं क्या ट्वेल्व टू एट इज टू फाइव रेशियो इज इट टू सिक्स इज इट टू सिक्स और इज इट ट्री इंस टू सेवन तो ये आपके सामने ऑप्शन उप्ष, दिए हुए हैं अगर आपको आंसर आता है तो प्लीज कॉमेंट करके जल्दी से बताइए एक बहुत ही कन्वेंशनल मेथड है कि जो टोटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको हम वन मान लेते हैं बिकॉज दिस इज वन एज अ होल इसमें से वन फिफ शेयर वन फिफ्थ शेयर जो है वो नए पार्टनर का है डेट इज जेड का तो रिमेनिंग क्या बच गया स्टूडेंट्स तो रिमेनिंग शेयर बचा हुआ है अब नए पार्टनर ने तो is to में share ले लिया, तो तो जो हैं, उनका share क्या होगा? वो हम जल्दी से calculate कर लेते हैं. तो इनका पुराना शेयर था is to 5, X का ले लेते हैं रिमेनिंग शेयर कितना है फोर इज फाइव एंड वेन यू सॉल्व यू गेट द आंसर एज ट्वेल्व बाई ट्वेंटी फाइव अब देखिए या इसी तरीके से आप वाई भी कैलकुलेट कर सकते हैं एंड इसी तरीके से आप जेड भी कैलकुलेट कर सकते हैं y भी में मैं कैलकुलेट कर देता हूं आपके सामने सो दैट इट बिकम्स बिकम फॉर यू अब देखिए यहां पे स्टूडेंट शॉर्टकट क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं यू ऑलरेडी नो दैट द डिनोमिनेटर दैट इज कमिंग आउट इज ट्वेंटी प्लीज इस शॉर्टकट पर ध्यान दीजिएगा यहां पर जो डिनोमिनेटर है वो ट्वेंटी फाइव आ रहा है इसका मतलब यह है कि एक्स वाई प्लस जेड का जो टोटल सम होगा उसका जो टोटल आना चाहिए दैट शुड बी कमिंग आउट टू बी ट्वेंटी फाइव अब आप एक बार ऑप्शन को चेक कर लीजिए कि क्या आपका जो टोटल है किस केस में ट्वेंटी फाइव आ रहा है आधा क्वेश्चन आपका वही सॉल्व हो जाएगा देखिए लास्ट ऑप्शन ऑप्शन में इट इज कमिंग आउट टू बी लेस आई थिंक सारे के सारे ऑप्शन में कम आ रहा है कहीं पर भी ट्वेंटी फाइव का टोटल नहीं बन रहा एक्सेप्ट योर ऑप्शन वन तो एक कॉमन सेंस से इस शॉर्टकट मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है एंड अगर आप इसको पूरा वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे तो भी आपको यही आंसर निकल के आएगा दैट इज ट्वेल्व इज टू एट इज टू फाइव तो ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग देश आ जाएगा तो सिर्फ पहला वाला कैलकुलेट कर लीजिए एंड पहले वाले के बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं हां अगर दो तीन ऑप्शन का टोटल आ रहा होता तो आपको हो सकता है पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती बट मेजोरिटी ऑफ द केसेस में यहां पर एटलीस्ट थोड़ा सा काम आसान हो जाता है एंड इसके बेसिस पे आप कैलकुलशन कर सकते हैं सो आई होप दिस इज क्लियर इट वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन ओके काफी सारे स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है ऑफ स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट द आंसर इज वन वंडरफुल सो so, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सो वन और इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर बहुत ही आसान क्वेश्चन था लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं वेरी बेसिक क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोबारा पार्टनरशिप अकाउंट से है यहां पर आपको करेक्ट इक्वेशन आइडेंटिफाई करनी है क्या दिया हुआ है ओपनिंग कैपिटल गिवन है so, की आपके सामने तीन चार इक्वेजन गिवन है एंड आपको सही इक्वेजन आइडेंटिफाई करनी है सो इज इट फर्स्ट ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल जो पार्टनर्स ने इंट्रोड्यूस की है ड्रॉइंग्स जो उन्होंने विड्रॉ किया होगा प्रॉफिट जो उनको दिया गया होगा इज इट द सेकेंड क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस लॉसेस इज इट थर्ड ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट और इज इट फोर्थ क्लोजिंग कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट बहुत ही बेसिक सवाल है मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इसका सही जवाब देंगे तो आपको याद होगा कि अकाउंट बन सकते हैं अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो आपका एक ही अकाउंट बनता है दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है आपका बार बार आपका कैपिटल फ्लक्चुएट होता है इंट्रोड्यूस करते, है, करते हैं आप विड्रॉ करते हैं तो उस केस में आप दो तरीके के अकाउंट बनाते थे वन वॉज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द अदर वन वॉज पार्टनर्स करेंट अकाउंट तो उस क्वेश्चन पूछा गया है बट बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से आइडेंटिफाई से कर सकते हैं सो टिल द टाइम एवरी वन ऑफ यू इज गिविंग द आंसर मैं आपको थोड़ा सा डिवाइस करा देता हूं एक छोटा सा अकाउंट मैं आपके सामने लेके आया हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है बिकॉज हेर वी आर एज्यूमिंग की फिक्स कैपिटल यूज किया जा रहा है तो इस तरीके का आपका अकाउंट दिखता है यू विल बी गेटिंग द बैलेंस ब्रॉड डाउन ये पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस कह लीजिए या इस साल का ओपनिंग बैलेंस कह लीजिए तो यहां पे ये आप डाउन करते हैं यहां पे आप शो करते हैं इसके बाद जनरल रिजर्व पार्टनर्स के अकाउंट में जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस वर्कमैन कंपेंसेशन फंड ये सारी चीजें आप पार्टनर के अकाउंट में डालते जा रहे हैं एंड ये इसी तरीके से शो होती जाएगी सिमिलरली डेबिट साइड पे और आपका डेबिट बैलेंस है कैपिटल का या फिर लॉस हुआ है दिस रिप्रेजेंट्स योर लॉस ये लॉस को रिप्रेजेंट करता है कोई एडवर्टाइजमेंट अकाउंट है से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है रियलाइजेशन में आपने एसेट टेक ओवर किया है लॉस ऑन रियलाइजेशन है तो इस तरीके से सारे अकाउंट आपके शो हो जाते हैं इस सिर्फ और सिर्फ इस अकाउंट पे इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इक्वेशन को आप इक्वेशन को फॉलो अप करके अपनी खुद की इक्वेशन बना सकते हैं तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि दिस इज द ओपनिंग कैपिटल एक बार इसको ओपनिंग कैपिटल लिख लेते हैं फॉर अ मैटर ऑफ सिंपलिसिटी तो यहां पे हमारे हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है ना व्हाट वी आर कि हम प्रॉफिट को ऐड कर रहे हैं अगर हम एडिशनल कैपिटल ला रहे हैं तो हम इसको ऐड कर रहे हैं एंड अगर यहां पे होता तो हम इसे कर रहे हैं बिकॉज दिस हैज अ डेबिट बैलेंस तो ड्रॉइंग जो होता है वो हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाता एंड फाइनली वॉट वी वुड हैव गॉट इज द क्लोजिंग बैलेंस सो इस तरीके से हमारा अकाउंट कैलकुलेट होके आता तो आप क्या देख रहे हैं कि ओपनिंग कैपिटल में आपने प्रॉफिट को ऐड किया है दिस इज अ प्रॉफिट जो एडिशनल कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस किया या फिर पार्टनर्स ने इंट्रोड्यूस किया वो भी यहाँ पे ऐड हो रहा है जो है वो यहाँ पे हो जाएगा एंड यहां पे आपका क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ जाएगा ये फॉर्मूला हम तब यूज करते अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालना था बट क्योंकि हमें क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल से रिलेटेड फॉर्मूला दिया है तो फॉर्मूला रिवर्स हो जाएगा योर गोइंग टू रिवर्स द फॉर्मुला दैट मीन क्लोजिंग कैपिटल మే ఆ బ్రోయింగ్స్ కో యాడ్ karenge and అడిషనల్ క్యాపిటల్ ఇన్ ప్రాఫిట్స్ కో సబ్ట్రాక్ karenge ఇన్ ఆర్డర్ టు రీచ్ హియర్ దట్ ఇస్ ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ తో ప్లీజ్ ధ్యాన్ దిజియేగా క్వశ్చన్ మే క్యుకి హమే ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ నికాల్నా హై ఇస్లే వి విల్ బీ గోయింగ్ ఇన్ ద రివర్స్ డైరెక్షన్ జో చీజే యాడ్ హోని థీ ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ మే వర్బ్ సబ్ట్రాక్ట్ హో జాయేంగి సో దట్ ఇస్ ద బేసిక్ ఐడియా ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ బహత్ ది ఆసాన్ హై అగర్ ఆప్కో డైరెక్ట్లీ ఫార్ములా పతా హై తో భీ ఆప్ uska జవాబ్ దే sakte hain మే ఉమీద్ కర్తా హూ ఆప్నే దే హి دیا హోగా చాట్ బాక్స్ మే సో లెట్ మీ సీ వాట్ ఆర్ ద ఆన్సర్స్ క కమింగ్ అప్ ओके आई थिंक थोड़ा सा कंफ्यूजन है काफी सारे आंसर्स मिक्स आ रहे हैं यहाँ पे बट आई होप नाउ इट इज वेल क्लियर आपको समझ में आ गया होगा सो क्लोजिंग कैपिटल में हमने ड्राइंग्स को एड कर लिया एडिशनल कैपिटल इन प्रॉफिट लेस हो गया वट आर गोइंग टू डी राइव इज द ओपनिंग कैपिटल तो इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं एंड दर थर्ड और सी इज द करेक्ट आंसर आई होप की आपको क्लैरिटी आ गई है डायरेक्टली फॉर्मुला भी याद कर सकते हैं बट एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको शो कर दिया गया है सो दैट यू नो दैट हाउ आर दीज ट्रीटेड क्या डेबिट में जाना है क्या क्रेडिट में जाना है सो दैट इट बिकम्स फॉर यू आई होप दिस इज वेल क्लियर सो दिस इज द आंसर ये हमारा थर्ड आंसर हो जाता है ओके सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में कॉमेंट करके आंसर कर सकते हैं लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो मैंने आपको पहले भी बताया था दैट वी है टेलीग्राम ग्रुपिफिकली फॉर आर स्टूडेंट्स जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया जा चुका है तो आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें इसमें नाइन थर्टी ए में क्वेस्ट कराई जाती है दैट इज फॉर बोथ पेपर वन एज वेल एज पेपर टू कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस होती रहे और भी कोई स्टूडेंट्स हैं जो नेट से रिलेटेड या फिर पीएचडी से रिलेटेड जो डाउट्स पूछते हैं वो भी यहां पे क्लियर कर देता हूं मैं जैसे मुझे टाइम मिलता है एंड साथ साथ कोई भी और अपडेट्स होती हैं चाहे वो एडमिट कार्ड रिलेटेड हो या फिर पीएचडी के फॉर्म्स निकलते हैं वो भी यहां पे मैं डालता रहता हूं तो प्लीज आप इसे जरूर ज्वाइन करिए इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू नाउ लेट्स गो बैक टू द फोर्थ क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन देखते हैं वेन करंट रेशियो एज टू इज टू वन तो हमारे सामने करेंट रेशियो गिवन है दिस इज द करेंट रेशन एंड इफ इक्वल इंक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड करेंट लाइबिलिटी वुड रिजल्ट इन डैश बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बहुत आसानी से किया जा सकता है तो यहाँ पे मैं मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं आपको इजी क्वेश्चन जानबूझ के सॉल्व करा रहा हूं रैदर मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपको यह डिमाइंड कराना चाह रहा हूं इनफैक्ट दिखाना चाह रहा हूं क्वेश्चन के थ्रू की टॉपिक्स बहुत ईजी है ये सारे टॉपिक्स आपने अपनी क्लास ट्वेल्व में पड़े हुए हैं

करंट रेशियो विल गेट डबल सो ये चार ऑप्शन है प्रैक्टिकली करके देखते हैं सो लेटस अज्यूम डेट करेंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज आर गिवेन एज टू बी टेन थाउजेंड सो डेट जो करंट रेशियो है वो टूट जाए दिस इज द करेंट सिशन ये हमारे पास करेंट so, so, सिचुएशन है अब हम करके क्या देखेंगे हमें इक्वल अमाउंट इंक्रीज करके देख लेते सो लेट मीन जस्ट कीप दिस एडिशनल अमाउंट एज टेन थाउजेंड दस so, हजार हम करेंट एसेट्स में ऐड कर देते हैं एंड दस हजार हम करेंट लाइबिलिटी में ऐड कर देते हैं द अमाउंट वुड बिकम थर्टी थाउजेंड बाई ट्वेंटी थाउजेंड तो ये हमारा अमाउंट बन जाएगा एंड अब जो करेंट रेशियो बन जाएगा दैट वुड बिकम वन इज टू फाइव इज टू वन सो पहले जो हमारा करंट रेशियो था वो टू इज टू वन था अब जो हमारा रेशियो बन गया दैट हैज बिकम वन इज टू फाइव तो आप क्लियरली देख सकते हैं बहुत ही आसानी से सॉल्व करके देख सकते हैं दैट एक्चुअली द करंट रेशियो हैज डिक्रीज्ड तो कभी भी आप ऐसे क्वेश्चन में फंसे तो रैदर देन मेकिंग अ रैंडम गेस यू कैन एक्चुअली सोल्व दिस क्वेश्चन जल्दी से एक प्रैक्टिकल करके देख लीजिए एंड आपको आंसर कंफर्म भी हो जाएगा एंड यू विल भी हंड्रेड परसेंट श्योर अबाउट द आंसर एज वेल सो जल्दी से कमेंट करके बताइए काफी सारे स्टूडेंट्स से कमेंट आने शुरू हो गए हैं एंड आई एम वेरी ग्लैड मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर गिविंग द करेक्ट आंसर दैट द आंसर इज थर्ड दैट इज डिक्रीज इन करंट रेशियो तो करेंट रेशियो आपका डिक्रीज हो जाएगा वेरी गुड गोइंग ऑल ऑफ यू ट्स मूव टू टू दास्ट क्वेश्चन फॉर द डे थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है थोड़ा सा चिकी क्वेश्चन है फ्रॉम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बट आई एम शोर अट थिंग्स इन दिस पटल क्वेश्चन इस क्वेश्चन में काफी कुछ आपको सीखने मिलने वाला है तो प्लीज इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा थोड़ा सा लेंदी भी है सो so, प्रॉब्ली आप ये कह सकते हैं कि जो पहले चार क्वेश्चन थे दे बिलोंग टू द इजी टू मीडियम कैटेगरी एंड दिस इज द क्वेश्चन टू विच आई एल बी कैटेगराइजिंग इन द डिफिकल्ट सेक्शन सो so, एक बार इसको स्टार मार्क कर लेते हैं ताकि आपको बाद में रिवाइज करते टाइम हैं इन पांच हजार शेयर की वन फिफ्टी इज द मार्केट वैल्यू मार्केट प्राइस एंड हंड्रेड उनके फेस वैल्यू है कंपनी वॉन्ट टू रेज एडिशनल एडिशनल फंड उठाना चाहते हैं कितना वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड

इन द रेशियो वन इज टू फाइव मतलब अगर आपके पास तो पांच शेयर हैं तो आपको एक राइट इशू का ऑप्शन मिलेगा इसका मतलब है कि एज अ पर्सन इफ यू आर होल्डिंग लेट शेयर्स तो पांच सौ शेयर्स खरीदने का ऑप्शन मिल रहा है मतलब आप 500 नए शेयर्स खरीद सकते हैं सो दिस इज द रेशियो आई होप दिस इज क्लियर राइट इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पहला राइट right मिलता है कि वो शेयर खरीदें एट अ प्राइस लेस देन द मार्केट प्राइस सो ये राइट right इशू की डेफिनेशन है अब आपको कैलकुलेट करना है वॉट यू हैव टू कैलकुलेट वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ राइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब ये जो राइट right मिला है इसकी वैल्यू क्या है वॉट इज द वैल्यू ऑफ दिस राइट एंड इसकी वैल्यू ऑफ राइट क्यों निकालनी जरूरी है और वाई आर बी कैलकुलेटिंग बिकॉज देर इज अ राइट गिवेन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अगर वो खुद शेयर्स नहीं खरीदना चाहते बट दे वॉन्ट टू सेल इट टू समी किसी स्ट्रेंजर को सेल करना चाहते हैं अपने किसी रिलेटिव को सेल करना चाहते हैं तो उसे सेल कर सकते हैं एंड इस राइट को भी एक नाम दिया गया है उसकी भी नॉलेज आपको दे देता हूं दो कंपनी लॉ का पार्ट है राइट ऑफ रिनाशन मतलब आप किसी दूसरे के नाम पे इस राइट right को रिनाउंस कर सकते हैं उसे ट्रांसफर कर सकते हैं ऑब्वियसली सामने वाले को अगर आप राइट right बेच रहे हैं तो आपको चार्ज करेंगे एंड दैट इज नोन एज वैल्यू ऑफ राइट तो उस राइट की आप वैल्यू निकाल रहे हैं जो भी वैल्यू निकलेगी वो वैल्यू आप सामने वाले से चार्ज कर सकते हैं कम भी चार्ज कर सकते हैं ज्यादा भी चार्ज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन यू उसके लिए अदर कंडीशन देखनी पड़ेगी कंपनीज एक्ट की क्या है सेबी की गाइडलाइंस क्या है बट एक आपको प्रैक्टिकल वैल्यू निकल के आ जाती है जिसके बेसिस पे आप डिटरमाइन कर सकते हैं आपको कितने में वो राइट सेल करना है सो दीज आर द ऑप्शन गिवेन इज इट रूपीज फाइव इज इट रुपीज सिक्स

इस टाइम पे वैल्यू ऑफ राइट के बारे में बात नहीं कर रहे हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि पोस्ट इशू एक बार हम अगर इशू कर देते हैं अगर इस राइट इशू का इशू हो जाता है सो व्हाट इज गोइंग टू बी द राइट प्राइस एक्चुअल प्राइस क्या निकल के आ रहा है मेकिंग इट क्यूमुलेटिव मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको भी अगर देख लें जो नए शेयर इशू होने वाले हैं राइट इशू के फॉर्म में उसको भी देख लें तो क्या प्राइस निकल के आने वाला है उसको हम कहते हैं एक्स राइट प्राइस ओके सो दिस इज द टर्म एक्स राइट क्यों है क्योंकि इसके अंदर वैल्यू ऑफ राइट नहीं जुड़ा हुआ इसलिए इसको एक्स राइट right कहते हैं पोस्ट इशू है ये एक बार आपने शेयर इशू कर दिए तो क्यूमुलेटिवली क्या वैल्यू बनती है एक शेयर की वो हम यहां पे निकालने वाले हैं एक बार फॉर्मूले को प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑलरेडी इन इशू ऑलरेडी जो शेयर्स मार्केट में आपने इशू कर रखे हैं फॉर इंस्टेंस यहां पे जो हमारे पास शेयर है वो फाइव इज वन के रेशियो में है तो फाइव हमारे शेयर हो जाएंगे और मार्केट प्राइस क्या है अभी हमने क्वेश्चन में देखा था इट वॉज वन फिफ्टी रुपीज पर शेयर दोबारा रिपीट कर रहा हूं प्लीज ध्यान से सुनिए मिस आउट मत करिए पांच शेयर हैं हमारे पास एग्जिस्टिंग बिकॉज फाइव इज टू वन के रेशियो में राइट इशू किया जा रहा है और मार्केट प्राइस क्या है वन फिफ्टी रुपीज तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर क्या हो जाएगी दैट वुड कम आउट टू बी रुपीज सेवन फिफ्टी प्लस प्रोसीड फ्रॉम न्यू इश्यू ऑफ शेयर अब अगर आप नया शेयर इशू करते हैं तो आपकी वैल्यू क्या है एक इशू एक शेयर हम इशू कर रहे हैं सो so, रिमाइंड करा दूं आपको एक सौ बीस रुपए गए थे एक्सरसाइज करने के अगर आप राइट इशू करना चाहते थे या फिर शेयर खरीदना चाहते थे तो ये आपकी वैल्यू निकल गए सेवन फिफ्टी प्लस वन ट्वेंटी आई थिंक इट इज गोइंग टू कम आउट टू बी एट सेवनटी रुपीज तो एट सेवेंटी रुपीज हमारी वैल्यू निकल के आ गई

फोर ट्वेंटी फोर देन इट कम आउट टू बी थर्टी सिक्स फाइव दर्टी तो वन फोर्टी फाइव रुपीज कैलकुलेट होकर आ रही है तो हमारी जो एक्स राइड प्राइस की वैल्यू है दैट इज मतलब एक बार हमने राइट इशू कर दिया उसके बाद इन शेयर्स की वैल्यू पर शेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी अगर हम छह शेयर के बारे में बात करें सो इट कम्स आउट टू बी वन फोर्टी फाइव रूपीज तो ये अब शेयर्स की वैल्यू है जो आपके पास है इस टाइम पे आफ्टर पोस्ट इशू ऑफ राइट शेयर्स सो दिस इज द वैल्यू दैट इज कम अब यहां पे मैं आपको बता दूं ये वैल्यू ऑफ राइट नहीं है ये सिर्फ आपको पोस्ट इशू की वैल्यू निकल के आई है एक्स राइट -right प्राइस आपके सामने कैलकुलेट होके आया है वन फोर्टी फाइव अब वैल्यू ऑफ राइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ राइट का फॉर्मूला हो जाएगा मार्केट प्राइस माइनस योर एक्स राइट प्राइस बिकॉज आपको यह पता करना है कि मार्केट प्राइस से और आपकी एग्जिस्टिंग शेयर प्राइस में क्या डिफरेंस है जिसके बेसिस पे आप उसे सेल कर सकते हैं किसी स्ट्रेंजर को सो दैट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ राइट जो मार्केट प्राइस और एक्स राइट प्राइस के बीच का डिफरेंस होगा वो आपका वैल्यू ऑफ राइट हो जाएगा नाउ आई थिंक इट्स वेरी सिंपल मार्केट प्राइस हमें पता है इट इज हमें एक्स राइट प्राइस पता है दैट इज सो द वैल्यू ऑफ राइट वुड बी रूपीज सो दिस इज द क्वेश्चन आई होप थोड़ा सा लेंदी लगा होगा बट इट इज वेरी इजी बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है दोबारा रिपीट कर सकता हूं मैं अगर आपको डाउट है या कर ही लेते हैं बिकॉज थोड़ा सा चैलेंजिंग है सो so, सबसे पहले मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालनी है फाइव शेयर्स इंटू मार्केट प्राइस दैट इज वन फिफ्टी दट कम्स आउट टू बी सेवन फिफ्टी रूपीज मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर हमें पता चल गई प्रोसीड फ्रॉम न्यू इशू शेयर अगर नया शेयर इशू करते हैं तो कितने पैसे मिलेंगे कंपनी को वन शेयर इशू करेंगे फाइव इज टू वन के रेशियो में एट द प्राइस ऑफ वन ट्वेंटी सो दैट विल कम आउट टू बी एट सेवेंटी रुपीज ये हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर इशू पांच पहले हेल्ड कर रखे थे एक अब राइट इशू के फॉर्म में हुआ तो कितने शेयर्स हो गए छह डिवाइड कर दिया द वैल्यू वुड कम आउट टू बी रुपीज वन ये किस चीज की वैल्यू है दिस इज द एक्स राइट प्राइस एंड नॉट द वैल्यू ऑफ राइट वैल्यू ऑफ राइट कैसे निकालेंगे मार्केट प्राइस ऑफ शेयर माइनस द एक्स राइट प्राइस बिकॉज ये जो डिफरेंस है ये आपको मिल रहा है बिकॉज यू आर एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर तो अगर आप शेयर नहीं खरीदना चाहते हैं, अगर आप शेयर खरीदते तो आपको ये फायदा होता एंड अगर आप ये शेयर नहीं खरीद रहे हैं सो यू वॉन्ट टू सेल इट टू समी एल्स किसी स्ट्रेंजर को किसी रिलेटिव को आप वो राइट right सेल करना चाहते हैं एंड देर फॉर द वैल्यू ऑफ राइट वुड बी रूपीज फाइव सो ये हमारी वैल्यू निकल गई आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया है दो बार में ट मी सी वॉटर द आंसर कामेगा वंडरफुल सो अलॉट ऑफ आंसर आर कमिंग फॉर रूपीज फाइव दैट इज एंड दिस इज एब्सोलूटली करेक्ट तो यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वंडरफुल सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे आई होप कि आपने सेशन इन्जॉय किया होगा बहुत कुछ नया सीखा होगा मैं दोबारा बता देता हूं आपको प्लीज डू नॉट फोकस जस्ट ऑन द डिफिकल्ट क्वेश्चन बिकॉज काफी सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो बहुत ही बेसिक नेचर के हैं क्लास 11, 12 से भी बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे कि आपने देखा रेशियो के क्वेश्चन आ जाते हैं पार्टनरशिप के आ जाते हैं तो प्लीज उन टॉपिक को भी रिवाइज जरूर करिए एंड जल्दी से मुझे कॉमेंट करके बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा एंड वॉट हैज बीन योर स्कोर टूडे बेस्ड ऑन दीज फाइव क्वेश्चन ऑन अकाउंटिंग ई so सी काफी अच्छे स्कोर्स आ रहे हैं काफी सारे स्टूडेंट्स के फोर आ रहे हैं काफी सारे स्टूडेंट्स के फाइव आ रहे हैं वंडरफुल सो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है या फिर कोई भी टॉपिक यहां पर क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज मुझे चैटबॉक्स में कॉमेंट करके पूछ लीजिए सो दट वॉज ऑल फर टू थैंक यू एंड हैव अस डे वील मीट अगेन नाव ऑन थर्स डे एंड फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग कीप वॉकिंग हार्ट बै